हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम नागा रेजिमेंट पर रिएक्शन देने वाले। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया है, पर नागा रेजिमेंट को हेड हंटर्स क्यों कहा जाता है, ये सवाल मेरे मन में भी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि नागा रेजिमेंट को हेड हंटर्स क्यों कहा जाता है। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। तो लेट स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं LTC न्यूज। हम आज बात करेंगे द हेड हंटर के नाम से मशहूर देश की सबसे युवा रेजिमेंट नागा रेजिमेंट के बारे में। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नागालैंड को आसाम के एक प्रांत के तौर पर स्थापित किया गया। यह वहां के लोगों को पसंद नहीं आया और वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यह विद्रोह उस समय तक चली जब तक कि नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही प्रयास किए गए। 1957 में केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यह प्रयास भी वहाँ के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई और वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना जारी रखा। यह विद्रोह 1963 ईस्वी तक चला जब नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। वहाँ के लोगों की डिमांड पूरी हुई। जो डिमांड थी नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा भारतीय सेना में एक अलग पहचान। भारतीय सेना में अलग पहचान के तौर पर नागा रेजिमेंट का गठन हुआ। द हेड हंटर के नाम से मशहूर नागा रेजिमेंट का गठन 1 नवंबर 1970 ईस्वी में हुआ था। नागा रेजिमेंट का द हेड हंटर के नाम से मशहूर होने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। विश्व के हर एक जाति जनजाति की अपनी अपनी प्रथा और एक रीति रिवाज होती है। वैसे ही नागा जनजाति की एक मशहूर तथा बहुत ही पुरानी प्रथा है जो इन्हें हेड हंटर के नाम से मशहूर करती है। नागा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए तथा उनके सम्मान के लिए उनके सिर के कंकाल को अपने घर में जमा करते हैं। और नागा जनजाति के लोग अपने विजय को याद करने के लिए, अपनी जीत को याद करने के लिए अपने दुश्मनों के सर को काट कर अपने घरों में जमा करते हैं और इसी कारण इन्हें द हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। नागा रेजिमेंट के पहले बटालियन का गठन कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में 1 नवंबर 1970 को RN महाजन, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर आसीन थे, उनकी देखरेख में हुआ था। भारत सरकार ने नागालैंड के युवाओं को राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ने तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए वहां के एक्स मिलिटेंट्स को सीधी भर्ती द्वारा भारतीय सेना में शामिल किया। जब प्रशिक्षण के दौरान ही नागा रेजिमेंट को काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशनों में भेज दिया गया और उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। नागा रेजिमेंट के गठन के बाद पहला महत्वपूर्ण ऑपरेशन ऑपरेशन रोमियो था, जिसका उद्देश्य LOC पर अपना वर्चस्व कायम करना था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। अपने गठन के बाद नागा रेजिमेंट पहली बार LOC की पोस्टिंग पर गई थी। वहां पाकिस्तानी सेना ने उनका स्वागत गोलों से किया। नागा रेजिमेंट के जवान तथा अफसरों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लगातार 2 रातों तक पाकिस्तानी सेना के जवान रात में भारतीय खेमे में आकर बम फेंककर चले जाते थे। इस घटना के बाद नागा रेजिमेंट के जवानों ने 2 पाकिस्तानी जवानों को उठाकर उनके खेमे से काफ़ी दूर लाए तथा उन्हें बांधकर उनके सामने पारंपरिक नृत्य किया और उसके बाद उनके पैर को काटकर उसे पकाया। इसी घटनाक्रम के समय एक सिपाही अपने सीनियर से कहता है कि उस्ताद, इनको रखते हैं, बिल्कुल चिकन जैसा टेस्ट है इनका। तो उस्ताद बोलते हैं, नहीं रे, इनको जाने दो, ये बहुत कमज़ोर है, यहाँ अभी 3 साल रहना है, तो टेंशन मत ले और बहुत मोटे और तगड़े मिलेंगे। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैली और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई जब तक कि वहां नागा रेजिमेंट रही। नागा रेजिमेंट अपने गठन के 1 साल बाद ही भारत पाकिस्तान के युद्ध में काफी नाम कमाया, जिसमें नागा रेजिमेंट को 1 वीर चक्र तथा 3 सेना मेडल से सम्मानित किया गया। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भी नागा रेजिमेंट का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें सूडान मिशन काफी ही महत्वपूर्ण तथा अहम था। सूडान मिशन के लिए नागा रेजिमेंट को UN फोर्स कमांडर एप्रिसिएशन कार्ड से सम्मानित किया गया। 1999 के कारगिल युद्ध में नागा रेजिमेंट के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें 0.4875 तथा टाइगर हिल के ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण थे। इसी युद्ध के दौरान सूबेदार इमलिया कुम को पराक्रम दिखाने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के तारीख में नागा रेजिमेंट के 3 बटालियन जो परमानेंट है तथा 1 टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन है। भारतीय इतिहास के कई युद्ध में अपना परचम दिखाने वाली नागा रेजिमेंट अभी तक 1 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, 6 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा
मेडल, एक विशिष्ट सेवा मेडल तथा 48 सेना मेडल अपने नाम कर चुकी है। भारतीय सेना में नागा रेजिमेंट के इस योगदान को सत-सत नमन है। हम इस तरह के वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एलटीसी न्यूज। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। और जब वीडियो देख रहा था, मेरे अंदर इतना जोश आ गया था, मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। सच में बात करेंगे नागा रेजिमेंट की। उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा था, अभी उसका आंसर देता हूँ। जब पाकिस्तानी सोल्जर्स के पैर पकाए जा रहे होंगे और नागा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं आपस में बात कर रहे होंगे कि भाई ये तो दुबले पतले, इनको जाने दो, इससे भी हट्टे कट्टे आएंगे, तब देख लेंगे। और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है और जो उनकी स्ट्रेटजी थी उस वक्त की, वो काम कर गई। उसके बाद पाकिस्तानी फिर उधर कभी नहीं आए। वो सोच रहे होंगे कि भैया तो इंसानों को भी नहीं छोड़ते, उधर मत जाओ। तो ये इसलिए हंस रहा था कि उनकी सोच क्या रही होगी और वो क्या सोच रहे होंगे उस वक्त, और जब वापस गए होंगे तो उन्होंने क्या बताया होगा जब उनके जो भी ऑफिसर है उनको जाके। उसके बाद पाकिस्तानी फिर कभी नहीं आए जहाँ पे नागा रेजिमेंट डिप्लॉय थी उस एरिया में। दूसरी बात करते हैं कारगिल वॉर की। और कारगिल वॉर में नागा रेजिमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था टाइगर हिल को लेने में, और भी बहुत जो इम्पोर्टेंट लोकेशन थी इंडिया के लिए, और उनको वापस लेना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे नागा रेजिमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। उसका भी एक वीडियो है, उस पर भी रिएक्शन देंगे। और उस पर रिएक्शन मैं एक्चुअली देने वाला था, पर जो पहला वीडियो था और ये वीडियो था और उसके बाद उस वीडियो पे देता तो ज़्यादा बेटर रहता, इसलिए मैंने इस वीडियो पर वीडियो को चूज़ किया। और मैं ये भी जानना चाहता था कि नागा रेजिमेंट को हेड हंटर्स क्यों कहा जाता है, तो आज समझ में आया। और जो हम बात करेंगे नागास के बारे में, वो जब भी हम नागास की बात करते हैं तो हेड हंटिंग का हमेशा किसी के भी मुँह से ऐसे सुनने में आता है कि नागा रेजिमेंट हेड हंटर्स। तो ये मेरे अंदर बहुत ही एक एक्साइटमेंट थी कि जानने की कि क्यों कहा जाता है, तो आज पता चला। और इसीलिए नागा रेजिमेंट के जितने भी जवान्स हैं वो पहले ही एक वॉरियर्स होते हैं, क्योंकि एक पारंपरिक होते जवान, एक पारंपरिक युद्ध कला में वो निपुण होते, तो इसलिए उनको जंगल वॉरफेयर में भी नंबर वन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था पर अभी बहुत सारे वीडियोस है तो उसमें भी बात करेंगे। जय हिंद।